हेलो बच्चों, नमस्कार आप सबको। आई होप आप सब अभी कॉपी पेन लेके बैठे हो साथ में। और आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर सेकंड हमने लिया है जिसका नाम है परमाणु संरचना, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या बातें करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु के बारे में। तो एक सिंपल सी बात मैं आपसे करती हूँ कि जैसे मान लो एक चौक है, ठीक है, एक चौक है, तो उस चौक को हम तोड़ते जाएंगे, ठीक है। हमने तोड़ा चौक को, तो देखा ही होगा वो कितनी बार टूट सकता है। जब एक सेकंड मेरे पास चेक है, जैसे मान लो ये वाला चौक है, तो इसको मैंने तोड़ा, ठीक है, फिर से मैं इसको तोड़ूंगी टूट जाएगा। जितनी बार मैं इसको तोड़ूंगी टूट जाएगा। पर हमारे दिमाग में या आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ये आता होगा कि कब तक टूटेगा, इसकी कोई तो सीमा तो होगी कि मतलब ये ऐसा तो है ना कि हमेशा टूटता रहेगा, एक लिमिट पॉइंट, एक सीमा इसकी ऐसी आएगी जहां पर ये टूटना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जो टूटना बंद हो जाएगा, जहां पे इसकी जो लिमिट आ गई, जो सीमा इसकी आ गई है, वही क्या है, परमाणु है। मतलब पदार्थ परमाणु का एक ऐसा भाग है। जब हम पदार्थ, किसी भी पदार्थ को, चौक के लिए यहां पर पदार्थ ही है, कोई मैटर ही है, तो हम किसी भी पदार्थ को हम इतना तोड़ दें, कि बाद में वो लास्ट इस उस सीमा पे जाके अटक जाए जहां पर उसको आगे और तोड़ना मुश्किल हो जाए। तो वो जो लास्ट में जो बनेगा, लास्ट में जो सबसे लास्ट जिसको तोड़ना आगे मुश्किल हो गया है, वो क्या है, यहां पर परमाणु। मतलब पदार्थ का वो सबसे छोटा भाग जिसको आगे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, वह क्या होता है, परमाणु होता है। ओके, समझ में आई मेरी बात, क्या कहा मैंने अभी कि हमारे दिमाग में क्या होता है कि कोई जैसे पदार्थ है, कोई भी चीज है, मान लो हम उसको कहां तक तोड़ सकते हैं, उसकी क्या सीमा होती है, ठीक है। बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया ये मार्कर है, इसको मैं इतना काटूं, इतना ज्यादा काट दूं, इतना काटती रहूं, इसके इतने छोटे छोटे भाग कर दूं, पर इसकी कहीं तो कोई सीमा आएगी ना कि वो एक स्थान पर जाकर के कटना बंद हो जाएगा। तो वो जो सीमा आई है, जो सबसे लास्ट में जो हमको जो रिजल्ट मिल रहा है काटने के बाद में, वो रिजल्ट ही क्या है, यहां पर परमाणु है। देखो, मैटर पदार्थ के बारे में सुना होगा कि पदार्थ जो भी हम चीजें यूज करते हैं, जिनका क्या होता है, एक तो मास होता है, ठीक है, और जो क्या अपना एक आइटम होता है जिनका, और एक स्थान लेती है, ठीक है, जो जिनको जो स्थान लेती है, जैसे मार्कर है, इसका वेट है, इसमें वजन भी है और अपनी जगह भी लेगी। तो ये चीज क्या है, यहाँ पर एक मैटर, एक पदार्थ है। तो एक ऐसा पदार्थ जो पदार्थ की जितनी भी कंडीशंस होती है उनको फॉलो करता है, उस पदार्थ को इतना तोड़े कि उसका एक लिमिट पॉइंट आ जाए, एक सीमा आ जाए, उसको आगे हम नहीं तोड़ सकते हैं, वो ही क्या होता है, यहाँ पर परमाणु होता है। तो उसी को क्या नाम दिया गया, परमाणु दिया गया। अब परमाणु के बारे में सबसे पहले बात किसने की, तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन, हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन, किसने बताया। तो हमारे हिंदू संस्कृति के, ये सांस्कृतिक के दार्शनिक थे महर्षि कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद ने सबसे पहले कण, कोई ऐसा सूक्ष्मतम कण देखा, उस कण को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। मतलब महर्षि कणाद ऐसे थे जिन्होंने पदार्थ को देखा, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण तक पहुंचे और उस कण के बारे में उन्होंने बता दिया कि ये सूक्ष्मतम जो कण है इसको हम आगे और नहीं तोड़ सकते, तो जहां पर आकर के ये रुक गया है उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया। उन्होंने क्या नाम दिया उसको, परमाणु, ठीक है। उन्होंने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में उन्होंने परमाणु नाम दिया इसको, इस तरीके से। तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। ये तो थे इनके कुछ इतिहास, ठीक है। महर्षि कणाद सबसे पहले आए, उन्होंने किसी सूक्ष्मतम पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को देखा और उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, पदार्थ नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद में डोल्टन आते हैं, डोल्टन पदार्थ के बारे में या परमाणु के बारे में काफी बातें करते हैं। डोल्टन बताते हैं कि परमाणु किस तरीके से काम करता है। पर अब यहां पर जब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसी के बारे में देख लेते हैं कि द्रव्य यानी पदार्थ यानी मैटर, मैंने तीनों नाम लिखे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे क्लासेस के अंदर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनके नाम बदलते जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते जाते हैं। तो द्रव्य भी होता है, हम इसको हिंदी में द्रव्य बोलते हैं और पदार्थ भी बोलते हैं, तो दोनों एक ही चीज है। उसके बाद में इंग्लिश में हम इसको मैटर बोलते हैं, ठीक है, सब्सटेंस भी हम इसको बोलते हैं। अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है जिसे एटम कहते हैं। अब देखो, मैंने बोला ना कि पदार्थ को हमने इतना तोड़ा कि हमें उसका सबसे छोटा भाग लास्ट में मिल गया, उस छोटे भाग को हमने बोला परमाणु। अब हम इसका बिल्कुल अपोजिट उल्टा कर सकते हैं कि जो पदार्थ है वो बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। दो बातें मैंने बोल दी कि पदार्थ को हम उसके सबसे छोटे भाग तक तोड़ सकते हैं, तो छोटा भाग हो गया परमाणु। और दूसरा जब हम इसके बारे में बोलेंगे तो जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे
परमाणु से या एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा कि जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, वो अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य, मतलब क्या होता है अविभाज्य, मतलब जिसको आगे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो परमाणु का ऐसा भाग जिसको और आगे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसके और हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम और कोई कण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वही क्या है परमाणु। और उसी परमाणु से हम किसका निर्माण कर सकते हैं, किसी पदार्थ का या किसी मैटर का या किसी द्रव्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ये लाइनें मैंने इसलिए लिखी है कि आप नोट्स कॉपी कर सको। ठीक है, बाकी सारी बात बोलने वाली चीजें होती बता करके छोड़ दी जाती है, बट आप लोग लिखो ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए क्या रही है। और ये 800 ईस्वी के अंदर उन्होंने बताया था, महर्षि कणाद ने। ठीक है, उसके बाद में क्या, अब देखो एटम कैसे बनाया, एटम परमाणु शब्द कहां से आया, परमाणु महर्षि कणाद ने बता दिया, पर फिर परमाणु को आगे इसका नाम क्या रख दिया गया, एटम रख दिया गया। इंग्लिश के अंदर उसको क्या बोलते हैं, एटम। तो एटम क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो किससे बना है, एटोमियो से बना है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है एटम, और जो एटोमियो से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, नए काटे जाने वाला, यानी एटोमियो का मतलब क्या होता है, ग्रीक के अंदर नए काटे जाने वाला, यानी अविभाज्य, मतलब जिसको आगे अविभाज्य को हम बोलते हैं नॉन डिवाइजिबल, और नए काटे जाने को मतलब अनकटेबल। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एटम वो पार्टिकल है, वो एक कण है, जिसको हम आगे और आगे विभाजित नहीं कर सकते, या फिर हम उसको और आगे नहीं काट सकते। वो कौन होता है, परमाणु होता है, और छोटे छोटे परमाणु से मिलकर ही क्या बना हुआ होता है, पदार्थ बना हुआ होता है। ठीक है, ये तो था इसका कुछ इतिहास, जो तुम लोग इसको कॉपी में लिख लेना और तुम्हें पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, परमाणु मतलब एक ऐसा छोटा, सबसे छोटा कण, जिसको आगे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब जो अच्छी बात यहाँ पर ये है, मैंने बोल दिया ये पदार्थ है, ठीक है, मैंने इसको बहुत सारा काट दिया, इसकी टुकड़ी टुकड़ी कर दिया, और मैंने ये परमाणु निकाल लिया। तो अब जो अच्छी बात ये है कि जितने भी गुण इस पदार्थ के अंदर है, जितने भी गुण, वो सारे गुण इस कण के अंदर भी मौजूद होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया इतने इस पदार्थ को, तो ये अपने सारे गुणों को खो देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने गुण इस पदार्थ के अंदर है, उतना ही गुण उस एक टुकड़े के अंदर, उस एक कण के अंदर भी होगा। तो ये क्या होता है, जितने भी गुण होते हैं उनको बनाए रखता है, उनको खत्म नहीं करता है। जैसे मैंने बोला ये चौक का टुकड़ा है, मैंने इसका ये कण निकाल लिया, तो इसकी वो इसमें वो सारे गुण होंगे जो चौक के इतने बड़े टुकड़े में है। मतलब चौक का जो एक कण हम लेंगे, उसमें उसके वो सारे रासायनिक या फिर भौतिक वो सारे गुण प्रेजेंट होंगे जो उस पूरे बड़े चौक के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब क्या कह रही हूं कि कोई भी पदार्थ है, चाहे उसे कितने ही भागों में तोड़ दो, उसको कितना ही छोटा पार्टिकल या कण बना लो, वो अपने गुणों को खोता नहीं है, उन गुणों को बनाए रखता है। और वही क्या है, परमाणु है। मतलब परमाणु एक ऐसा अविभाजित कण, जो ऐसा एक ऐसा सूक्ष्मतम कण, ऐसा छोटे से छोटा कण, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक गुणों को, भौतिक गुणों को बनाए रखता है, या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो कौन होता है, परमाणु होता है। मतलब अब आप ये नहीं सोच सकते कि पदार्थ कितना, मैंने बोल दिया ग्लास के अंदर मैंने दूध लिया, ठीक है, एक ग्लास में मैंने दूध लिया, दूध के जो गुण है, जितना एक ग्लास के अंदर दूध भरा है, वो सारे गुण दूध के अंदर है। पर मैंने उसी दूध को बहुत कम 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 मात्रा में, मतलब मान लो बूंद से भी कम मात्रा में मैंने उसको कहीं पर डाल दिया, तो क्या उस कण के अंदर या उस बूंद के अंदर वो सारे गुण खत्म हो जाएंगे जो पूरी बूंद के अंदर थे, और उसके अंदर नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं होगा। ये तो आप करके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट घर पे भी, कि वो सारे गुण जो एक ग्लास के अंदर भरे हुए बूंद के अंदर है, वो सारे गुण उस एक बूंद के अंदर भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो अच्छी बात थी परमाणु के बारे में, वो ये थी कि जो भी जिस भी पदार्थ का जो परमाणु होता है, वो उसके गुणों को नहीं खोता है। ये पुरानी बात थी कि एक ऐसा कण उनको मिला कि उसको आगे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया। बाद में ये चीजें फेल हो गई, नई थ्योरीज आई बाद में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की जब डिस्कवरी हुई तो ये सब फेल हो गया। पर अभी तक इतनी थी ये हिस्ट्री। इसके बाद में बात करते हैं डाल्टन की जो परमाणु थ्योरी है उसके बारे में। ठीक है, इन डिटेल बात कर लेते हैं। ये कॉपी कर लो आप लोग तब तक नोट्स के अंदर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, महर्षि कणाद की बात में जो आते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आता है। महर्षि कणाद ने बता दिया कि जो सबसे छोटा कण है उसको हम परमाणु बोल देते हैं। फिर 1808 के अंदर कौन आते हैं, डाल्टन आते हैं, और डाल्टन बताते हैं
इसी चीज को वो आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? देखो, उन्होंने एक डेफिनेशन दी परमाणु की, एग्जाम में आती है तो आपको ऐसे लिखनी है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग, मतलब किसी तत्व का कोई भी पदार्थ हमने लिया उसका वो है छोटे से छोटा भाग, वह सूक्ष्मतम भाग जो उस तत्व की रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। मतलब किसी भी तत्व का या किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, वह क्या होता है? परमाणु होता है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर एक बड़े चौक में जो गुण है वो सारे छोटे से कण के अंदर भी वो सारे गुण विद्यमान होंगे और उस छोटे से कण को हम क्या बोल रहे थे? परमाणु बोल रहे थे। तो यहाँ ये चीज यहाँ पे वो क्लियर करते हैं, ये चीज उन्होंने पूरी तरीके से वेरीफाई की थी कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग या वो सूक्ष्मतम भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेगा और उस तत्व के सारे गुणों को भी क्या करेगा, उसमें विद्यमान होंगे। जितने भी उस तत्व के गुण होंगे उस छोटे से कण में उस परमाणु के अंदर क्या होंगे, विद्यमान होंगे, और उसको हमने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। उसके बाद में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए डाल्टन ने, जो सारे बच्चे शायद नाइन्थ से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो इसमें ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। वैसे क्या होते हैं, ये सारी थ्योरीज फेल हो गई आज के टाइम के लिए, मॉडर्न जो कंसेप्ट है उनके ऊपर ये सारी थ्योरीज फेल है, पर कहीं ना कहीं ये थ्योरीज है तभी मॉडर्न कंसेप्ट आ पाए। तो ये थ्योरीज क्या है इनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पहले हिस्ट्री जानेंगे तभी हम प्रेजेंट में काम कर पाएंगे। तो देखो, इन्होंने जो पॉइंट दिए वो क्या थे कि द्रव्य जो होता है छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने बहुत पहले क्लियर कर ली है कि पदार्थ होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया परमाणु बन गया। सेम उसको उल्टा कर दिया कि जो भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हो गया जितना भी द्रव्य है, अभी तो पता ही है भाई, देखो वॉटर है, चलो एक ग्लास के अंदर पानी डाला तो पानी की वॉटर की बहुत सारे पार्टिकल मिलकर के उस ग्लास के अंदर इतना पानी बना रहे हैं। ठीक है, चौक का एक एक टुकड़ा, एक एक ऐसे एक एक कण मिल करके पूरा एक बड़ा चौक बना रहे हैं। तो इससे क्लियर हो रहा है ना कि जो भी द्रव्य है, जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर है, वो बहुत सारे अविभाज्य कणों से मिलकर के, अविभाज्य मतलब वो आगे जिनको हम आगे और डिवाइड नहीं कर पा रहे, आगे नहीं तोड़ सकते, तो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है जिनको हम क्या कह देते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक तत्व के सभी परमाणु के गुण आकार द्रव्यमान समान होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया चौक है, चौक के जितने भी हम कण निकालेंगे तो उनके जितने भी आकार है द्रव्यमान है वो सारे क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इन्होंने ये चीज बोली जो कि ये चीज आगे आके फेल हो गई। जब हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स अभी प्रेजेंट है, तो आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो वहां पे देखते हैं कि एक ही तत्व के ड्यूटेरियम प्रोटियम सारे होते हैं, वो हाइड्रोजन जैसे गुण नहीं रखते हैं, उनके जैसे उनका जो क्या बोलते हैं समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं ना, आइसोटोप्स समस्थानिक हो गए। ठीक है, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है इस रूल को क्या करते हैं? डिनाई करते हैं, क्योंकि जब उसके बाद में जब समस्थानिक की खोज हुई, ठीक है, हम इनके जो भी अणुभार है वो निकालने लगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालने लग गए, तो ये एक तरीके से डिनाई हो गया। कैसे? क्योंकि इन्होंने बोला कोई एक तत्व है, ठीक है, उसके जो बाकी के तत्व है उनके गुण उसके समान ही होंगे, दूसरे नहीं हो सकते, जबकि जब हाइड्रोजन के समस्थानिक आए तो ये चीज क्या हो गई? गलत साबित हो गई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम प्रोटियम वो अलग गुण रखते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, उसके बाद में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। एक उन्होंने बात बोली कि जो अलग अलग तत्व है, अलग अलग पदार्थ है, उनके परमाणु भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद में उन्होंने बात की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये तो आपको भी पता है कि कोई भी रिएक्शन जब हम करते हैं तो रिएक्शन उन्हीं के बीच में होती है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम उनसे कुछ नया रासायनिक अभिक्रिया उनसे हम कुछ नया जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही हम उसको बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, ना तो हम उसको बना सकते हैं ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ये उनके पॉइंट थे जो आज भी तुम्हें लिखने पड़ते हैं एग्जाम्स के अंदर, जो तुम इस पॉइंट पे उन्होंने वर्क किया था। ठीक है, समान या असमान परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, तो ये चीज तो प्रूव है कि जितने भी समान या असमान परमाणु होंगे, मतलब या तो एक ही तत्व के होंगे या फिर दूसरे तत्वों के भी होंगे, वो सब मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर तो हम बात करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले मैं किसी पदार्थ की बात करती हूँ कि मैंने ये पदार्थ ले लिया। ठीक है, अभी पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है? अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। ओके, और ये अणु किससे मिलकर के बने हुए हैं? परमाणु से। समझ में आया कुछ कि परमाणु मिलकर के अणु बना रहे हैं और सारे अणु मिलकर के क्या बना रहे हैं? पदार्थ बना रहे हैं। इसका उल्टा हम कह सकते हैं, पदार्थ को जब हम तोड़ते हैं तो पहले वो अणुओं में टूटेगा, अणुओं को जब हम तोड़ेंगे तो वो परमाणुओं में टूटेगा। तो परमाणु की थ्योरी मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु वो छोटा से छोटा अविभाजित भाग जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, आगे हम तोड़ नहीं सकते, वो होता है परमाणु। और ये उसकी सारी थ्योरी हो गई, ये हो गई इनकी हिस्ट्री।
अब हम इनके मॉडर्न थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि ये सारी थ्योरीज क्यों फेल हो गई, ये क्या फेल हुई जब इनकी मूलभूत कणों की क्या हुई डिस्कवरी हुई, खोज हुई। मूलभूत कण कौन? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम यानी परमाणु के मूलभूत कणों की जब खोज हुई तो ये सारी थ्योरीज फेल हुई। कब? मतलब कणाद ने क्या कहा कि वो छोटा से छोटा कण जिसको आगे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता वो परमाणु होता है। सेम चीज डॉल्टन ने कहती कि वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और उसको आगे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं, उस तत्व के सारे गुणों को भी वो रखता है। तो यहां से क्या बोला, उसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब था कि जो एक कण हमको मिल गया उससे हम और कण नहीं बना सकते, पर जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये सारी थ्योरीज क्या हो गई, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये सारे परमाणु में प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होती हैं, परमाणु में या एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज तुम्हें भी समझ में आ गई होगी, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि बहुत छोटे से छोटा भाग जिसको और आगे नहीं तोड़ सकते वो परमाणु है। पर जब इन दोनों की जब खोज हुई, जब इनकी डिस्कवरी हुई तो ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं, परमाणु भी आगे डिवाइड हो रहा है और उसके अंदर हमें तीन नए कण मिल रहे हैं, तीन नए एलिमेंट हमको यहाँ पे मिल जाते हैं जिनको हमने अलग अलग नाम दिया उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इसी वजह से डॉल्टन की थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। इसके बाद में जो नई थ्योरीज आई तो हम इनकी डिस्कवरीज देखते हैं कि जेजे थॉमसन ने सबसे पहले किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो हम यहाँ पे ये तुम ये पॉइंट्स कॉपी कर लेना कॉपी के अंदर, ठीक है। ये इनके दोस्त क्या है वो मैं बता दूंगी। और दूसरा क्या है, कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज यानी डिस्कवरी, इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, इनका द्रव्यमान क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज जितनी भी होती है उन सबके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप ये सब पढ़ो, ये सारे देख लो एक बार, परमाणु को चार बार समझ लो, क्योंकि परमाणु एक बार उसकी थ्योरी समझ में आएगी तभी आप नए डिस्कवर होने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आप उनके बारे में समझ पाओगे, ठीक है, कि वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। या फिर जैसे आपको परमाणु के बारे में नहीं पता होगा तो आप उनके उस परमाणु के अंदर क्या प्रेजेंट है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना टिपिकल हो जाएगा, तो थोड़ा इसको डिटेल से पढ़ लो, जो भी मैंने बोला है उसको बार बार देख लो, उसके ये पांच पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ओके, थैंक यू। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दो, और अगर अच्छा लगता है फिर भी तो आप दोस्तों से शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।